स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने नए वीडियो लेके आपके समक्ष पेश हुए हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो हिमाचल प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो हमने किन्नर जाति और चंबा जाति के लोगों के बारे में पढ़ा था, तो आज का हमारा अगला टॉपिक है गुज्जर जनजाति। गुज्जर जनजाति के बारे में सबसे पहले तो आपको पता है गुज्जर जनजाति, गुज्जर जनजाति जो है एक बहुत ही प्राचीन समय में एक बहुत विख्यात प्रजाति जो हमारी एक जाति रही है, जिसने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत ज़्यादा अपना बहुत ज़्यादा लड़ाई में योगदान दिया है। लोग जो अपने आप को हून जाति के वंशज मानते हैं। हून जाति के वंशज मानते, ठीक है। आपको एक और बात बता दूं, मालवा के शासक थे नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने गुर्जर जाति का जो था प्रथियार वंश की स्थापना की थी, जिसे नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर जाति के संस्थापक माना जाता है, तो आपने ये याद रखना है। तो ये जो आपको पूछा जा सकता है, गुर्जर जाति के संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। गुर्जर जाति के लोग जो है वैसे हिमाचल के मूल निवासी नहीं थे, प्राचीन समय में जो थे ये मूल निवासी नहीं थे, परंतु आने वाला समय आज का जो समय है इसमें जो है गुर्जर जाति के लोग जो है स्थायी निवासी है। वही जो उन्होंने अपने आप के लिए घर बना रखे हैं और अपने अपने आप जो अपने आजीविका के लिए वो कृषि भी करते हैं और जो भी करते हैं, परंतु गुर्जर जो है दो जाति के माने जाते हैं। जैसे हमने बुक्स वगैरह में फॉलो किया बहुत में, तो उन्होंने बताया कि गुर्जर के जो है एक हिंदू गुर्जर होते हैं, जैसे जिस टाइम जो हमारे जो धर्म परिवर्तन का समय था, तो जिन लोगों की जैसी विचारधारा बन गई थी, वह उसी विचारधारा के अनुसार जो है उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो हिंदू जाति में गुर्जरों को जो है हिंदू गुर्जर था, मुस्लिम गुर्जर के नाम से जाता प्रदेश में जो है प्रदेश में हिंदू गुर्जर व मुस्लिम मुस्लिम गुर्जर, ठीक है। परंतु हिंदू गुर्जर जो है हमारे, इन्होंने जो है अपने लिए स्थायी तौर से अपने लिए आवास बना के रखे हैं, परंतु मुस्लिम गुर्जर जो है घुमक्कड़ स्वभाव के हैं। कैसे? मुस्लिम गुर्जर मकर स्वभाव के, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। चंबा घाटी में उनकी सबसे ज्यादा अधिक जो मुस्लिमों की सबसे ज्यादा संख्या जो है ये चंबा घाटी में, कहाँ पे? चंबा घाटी में मुस्लिम गुर्जरों की सबसे ज्यादा ठीक है, तो आपने याद रखना है। 26 जो इनका 26 और 27 मई 1956 को चंबा में गुर्जर आदिवासी सम्मेलन बहुत बड़ा हुआ, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। कब? 26-27 मई 1956, ठीक है, चंबा में गुर्जर आदिवासी सम्मेलन, चंबा में गुर्जर आदिवासी सम्मेलन, ठीक है। तो इस सम्मेलन में जो था भारत सरकार के गृह मंत्री कौन आए थे? भारत सरकार के
गृह मंत्री 1956 के समय में थे हमारे श्री बी एन दात्रा। कौन थे? श्री बी एन दात्रा। ठीक है, सॉरी दात्रा दुतार। ठीक है, ये जो थे उस समय हमारे गृह मंत्री थे। ठीक है, और आदिवासी जातियों के कमिश्नर थे, वो भी साथ में आए थे। आदिवासी आदिवासी कमिश्नर, ठीक है, श्री एल एम श्रीकांत, श्री एल एम श्रीकांत, ठीक है, ये याद रखना आपने, ये भी आए थे। ठीक है, साथ में इनके। ठीक है, गुजर, गुजर का मतलब होता है जो महाराजा महाराजाओं के समय जो पहलवान होते थे, कुश्ती लड़ते थे राजाओं के, तो वो जो है गुजर जाति के ज्यादातर होते थे, जो उन्हें गुर्जर जीत कर लाते थे, तो उन्हें गुर्जर बोला जाता था। मेन तो इस गुर्जर दिया हुआ नाम नहीं होता, पहले गुर्ज होता था। ठीक है, गुर्ज जीतने वाले गुर्जर। ठीक है, तो आपने गुर्जरों का इतिहास पढ़ा होगा, ये बहुत ही काफी कौम होती थी अंग्रेजों के विरुद्ध, जो इन्होंने बहुत ही प्रतिहार जो लड़ाई लड़ी थी। ये एक ऐसी कौम थी जो कि अंग्रेजों के साथ जो झुकी नहीं थी, उनसे डरी नहीं थी, परंतु कुछ कारणों की वजह से ये पिछड़ गए थे। और ये जो है उधर से अपनी जान बचाने के लिए, जैसे गुजरात वगैरह से या दिल्ली वगैरह से वहाँ से भागे थे। एक समय में तो राजा मीर भोज ने एक तिहाई भाग जो है पूरा गुजरों के हवाले ही होता था भारत का। ठीक है, तो आगे बात कर लूँगा मैं सुवांगला जाति की। ठीक है, अब इसकी बात करता हूँ। ठीक है, ये जो पटन घाटी और चंद्रभागा घाटी किस जनजाति में पाए जाते हैं, वो वहाँ के जनजातीय क्षेत्र के पाए जाते हैं। कहाँ? पटन घाटी, पटन घाटी वो चंद्रा, ठीक है, लाहौल की जो है चंद्रा घाट, चंद्रा भागा घाटी। ठीक है, याद रखना आपने, कहाँ? ये लाहौल स्पीति में। कहाँ है? लाहौल स्पीति। ठीक है, याद रखना लाहौल स्पीति। ठीक है, यहाँ की भाषा, इनकी भाषा का, भाषा के बारे में बताता हूँ तुम्हें। इस जनजाति ये लोग जो है, ये जो मन छेद भाषा, ये भाषा इनकी है। ठीक है, और चिनाली, चिनाली भाषा भी ये बोलते हैं। ठीक है, ये इनकी प्रमुख भाषाएं हैं। ठीक है, जो कि सिप्पी, जो सिप्पी क्षेत्र में बोली जाती है, सिप्पी द्वारा बोले जाने वाले। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। और भोटी, भोटी, ठीक है, भोटी भाषा भी यहाँ की बहुत है, आपको पता होगा। भोटी ये जो बौद्ध धर्म के लोग बोलते हैं, किसके? बौद्धों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, बौद्धों द्वारा ये बोली जाती है। ठीक है, एक और है तिनान, तिनान भाषा। ठीक है, ये भी हमारे सिरसू क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, शिशु क्षेत्र में, शिशु क्षेत्र, ये याद रखनी है, पूछी जा सकती है। ठीक है, बाकी भोजन, भोजन के बारे में बताता हूँ कि कैसा भोजन ज़्यादातर ये पसंद करते हैं।
भोजन, ये जो है चिलरा, चिलरा जौ की रोटी जो होती है चिलरा, चिलरा जौ की रोटी। जौ की रोटी होती है ये, ठीक है, इसको खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, जौ की रोटी। और इनकी छांग स्थानीय श्राव, स्थाई जन की छांग, स्थाई श्राव है ये उनकी, ठीक है, तो ये याद रखना है इनकी। विवाह प्रथा जो है यहाँ पे जो है रुसते ही व्याहु प्रेम व्याह, ये इनका अलग अलग अपना समझौते, जैसे समझौते जैसे अपने इनका प्रेम विवाह की तरह होता है इनका, ठीक है। और यहाँ पे मेले, मेले के मंदिर के बारे में बताता हूँ मैं थोड़े, इसको रद्द कर देता हूँ। लाहौल के थोड़े से मंदिरों के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। मंदिर लाहौल की जो प्रसिद्ध मंदिर जो है वहाँ की, सबसे पहले जैसे त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ भोले शंकर का जो है, ठीक है, अगर मृकुला मंदिर ये उदयपुर में, मृकुला मंदिर उदयपुर में, जब इस मंदिर को आप देखेंगे तो ये जो है भीम ने जो है एक ही पेड़ से बनाया था, एक ही पेड़ लाया था और एक ही पेड़ का ये मंदिर बनाया हुआ है, ठीक है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है मृकुला मंदिर जो है, ठीक है। और यहाँ के जो मेला, मेले के बारे में बताता हूँ, जो मेला लगता है फेस्टिवल का कौन से होते हैं अपन त्यौहार जो होते हैं, तो ये त्रिलोकीनाथ मेला, ठीक है, त्रिलोकीनाथ मेला, ये जो हमारे आई थिंक जो है ये अगस्त सितंबर में होता है, लगने वाला है आजकल, सितंबर में, ठीक है, आज का ये मेला जो है लगने वाला है। और यहाँ की एक और सबसे बड़ी यहाँ जो है जो ये बौद्ध पंथ जानवरों की बलि नहीं दी जाती है, ठीक है, ये बौद्ध भिक्षु जानवरों की बलि नहीं देते हैं, ठीक है, तो कल हम अगली जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, तो कल बाकी जो डिस्कशन और बाकी दो तीन जनजातियाँ उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।